हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा दुपहर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले जो पहली खबर आ रही है जी, अज लॉकडाउन ते होवेगी विचार चर्चा। 17 मई तो बाद लॉकडाउन वधाउणा है कि नहीं, पीएम मोदी करनगे सारे ही राज्यां दे मुख मंत्रियां नाल अज मीटिंग। देश विच करोना नूं रोकण लई लॉकडाउन दा तीजा पड़ाव चल रहा है जो कि 17 मई नूं खत्म होण जा रहा है। इस दे बारे विच विचार चर्चा करन दे लई अज 11 मई नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वख-वख सूबिआं दे मुख मंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गलबात करनगे। प्रधानमंत्री की इस बैठक के राज्य के मुख मंत्रियों के नाल नाल गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। इस मीटिंग दे विच सारे मुख मंत्रियों वालों पीएम मोदी को सुझाव दिए जाएंगे। दस दिए कि करोना को लैके होने वाली यह बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। बैठक का पहला सत्र दोपहर 3 बजे तो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूजा सैशन 6 बजे तो शुरू होकर बैठक समाप्ति तक चलेगा। इस बैठक के विच ही वख-वख विचार चर्चा तो बाद यह तय किया जाएगा कि लॉकडाउन नूं अगे वधाया जाए जां इस थोड़ी राहत होर दित्ती जाए। सारे मुख्यमंत्रियों वालों अपने अपने राज दीआं स्थितियां बारे पीएम मोदी नूं जानकारी दित्ती जाएगी। अगली खबर जी, बेचैनी की शिकायत तो बाद एम्स विच दाखिल करवाए गए साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। दिल्ली एम्स वालों जारी किए गए हैल्थ बुलेटिन के अनुसार बेचैनी की शिकायत तो बाद उन्होंने एम्स हस्पताल लिया गया। उन्होंने बुखार है तो बुखार के होर कारणों का पता लगाने लिए उन्होंने जाँच की जा रही है, तो लोड़ अनुसार देखभाल की जा रही है। अगली वड्डी खबर जी, क्वारंटीन सेंटर दे विच औरत ते शरीरक संबंध बनाउण दा दबाव। महाराष्ट्र के अमरावती के एक आइसोलेशन वार्ड तो हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिथे पिंड दे शख्स ने एक गरीब औरत ते शरीरक संबंध बनाउण दा दबाव बनाया। इस घटना दे नाल इलाके दे विच हड़कंप मच गया। औरत की शिकायत ते मामला दर्ज करके दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पिंड के पुलिस पाटल नां दे शख्स ने आइसोलेशन वार्ड दे विच औरत नाल संबंध बनाउण दी मंग कर दित्ती। इस घटना की शिकायत औरत ने पुलिस नूं कीती ते दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर जी, 12 मई तो चलणगियां ट्रेनां, देखो कदों शुरू होवेगी बुकिंग। भारतीय रेलवे 12 मई तो यात्री रेल सेवा शुरू करन दी योजना बना रही है। शुरू दे विच 15 जोड़ी दीआं रेल गड्डियां चलाईआं जा सकदीआं हन। बाद इस होर वधाउण की योजना भी है। यह सारी रेलगड्डियां विशेष रेलगड्डियां होणगियां जो नवी दिल्ली तो देश के वख-वख हिस्सों के तक चलणगियां। बेंगलौर, मुंबई, रांची के पटना लई विशेष रेलगड्डियां चलाउण दीआं तैयारियां हो रही हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बारे जानकारी दिती है। यह योजना तहत रेलगड्डियां दिल्ली तो 15 शहरों तक चलणगियां। अगली खबर जी, ड्यूटी दौरान जान गवाउण वाले मुलाजमान के वारसां नूं 50 लाख रुपए की ग्रांट। वित्त विभाग वालों करोना महामारी विरुद्ध जंग विच अपनी ड्यूटी दौरान जान गवाउण वाले सरकारी मुलाजमान के कानूनी वारसां नूं मुआवजे वजों 50 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया ग्रांट देने संबंधी दिशा निर्देश नोटिफाई किए गए। यह मुआवजा सिर्फ करोना महामारी लिए स्वीकारयोग है और यह 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू रहेगा, जिसकी बाद में समीक्षा की जा सकेगी। एक सरकारी बुलारे ने दसाया कि यह एक्स ग्रेशिया मुआवजा सूबा सरकार के रैगूलर कर्मचारियों जिन्हों की करोना विरुद्ध जंग में ड्यूटी दौरान जान चली गई हो सारिया श्रेणियों से लागू होगा। अगली खबर जी, लॉकडाउन वधिया तां रैड जोन वाले पूरे जिले दे विच कामकाज ते नहीं लगेगी रोक। सरकार दी देखो नवीं योजना, करोना दे संक्रमण नूं रोकण लई देश भर दे विच तालाबंदी लागू है। तालाबंदी दा तीजा पड़ाव 17 मई नूं खत्म होवेगा। सरकार ने तालाबंदी वधाउण लई अजे कोई फैसला नहीं लिया, जिस दे बारे अज मीटिंग होवेगी। पर यह गल सामने आ रही है कि जेकर तालाबंदी नूं वधा दिता गया तां पहलां नालों वधेरे ढिल दित्ती जाएगी। इस गल दे संकेत हन कि सरकार देश दे विच आर्थिक गतिविधियां नूं तेज करन लई नवें कदम उठा सकती है। तालाबंदी के मौजूदा पड़ा दे विच किसी भी खेत्र में करोना के वधेरे केसों के कारण पूरे जिले में रैड जोन के विच पा दिता गया है। पर इस बार अजिही योजना बनाई जा रही है कि सिर्फ उन्होंने खेत्रों के जिथे करोना के मरीज हैं उन्होंने ही रैड जोन घोषित किया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि करोना कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को घटाने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को प्रवानगी दी जा सकती है। तालाबंदी के तीजे पड़ा में सरकार ने ग्रीन जोन खेत्र में बहुत सारी छूटा दीं, इसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हो रहा। दरअसल प्रवासी मजदूरों की बार-बार वापसी कारण इन्हां सैक्टरां नूं बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा है।
अगली खबर जी, सिक्किम सैक्टर विच भारतीय फौजियों की चीनी फौजियों के नाल झड़प। भारत चीन सरहद नाल लगन वाले सिक्किम सैक्टर के नाकूला कोल भारत अते चीन के फौजियों विचकार शनिचरवार को तिखी झड़प हो गई। सूत्रों ने ऐतवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना के कई फौजियों को मामूली सट्टा भी लगी हैं। उन्होंने कहा कि स्थानक पद्धर से गलबात मगरों फौजियों को समझा के वख कर दिया गया। एक सूत्र ने दसिया कि फौजी निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार आपसी समझ अजिहे मामलों को हल कर लेंदे हैं। इस तरह की घटना काफ़ी समय बाद हुई है। अगली खबर जी, मां दिवस से शर्मनाक घटना मतरी। मां ने बीमा पॉलिसी लिए 8 साल मासूम का किया कतल। पटियाला विखे मदर्स डे मौके शर्मनाक खबर सामने निकल के आई है। एक मतरी मां ने एक 8 साल के बच्चे का कतल कर दिता जो उसके पति ने 25 लाख की सेहत पॉलिसी लिए अपने पुत्र नामजद किया। शुक्रवार को जो पुलिस ने मतरी मां कुलविंदर कौर से पूछगिछ की तो यह मामला सामने आया। दोषी औरत ने दसिया कि उसके पति विनोद ने अपने पुत्र की थान गुरनूर नामजद बनाया है। इस कारण उसने गुरनूर छप्पड़ के धक दिता जिस डुबण कारण उसकी मौत हो गई। अगली खबर जी, पंजाब दे विच पॉजिटिव करोना केसां दी गिणती 1850 तो हुई पार। पंजाब दे विच करोना दा कहर लगातार जारी है, पर इस समय सैंपलां दी रिपोर्टां आउण दी रफ्तार भी काफ़ी घट है। हाले 3845 सैंपलां दीआं रिपोर्टां आउणियां बाकी हन। अज देर शाम तक सूबे विच कुल पॉजिटिव केसां दी गिणती 1850 तो पार हो चुकी है। 1823 केसां दी तां सरकार तौर ते पुष्टि कर दित्ती गई है। देर रात लुधियाणा विच करोना पीड़ित दी मौत तो बाद मरण वालों की गिणती भी 32 हो गई है। जिक्रयोग है कि इस समय भावें सैंपलों दीआं नवीं रिपोर्टां श्रद्धालुओं दीआं ही आ रही हैं, पर अज 5 कंबाइन कामियां के केस भी जिला फतहगढ़ साहब दे विच पॉजिटिव आए हैं। सूबे विच 24 घंटे के दौरान 90 तो वध नवें पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिन्हां की गिणती अज देर शाम तक होर भी वध सकती है। 166 मरीज ठीक होए हैं ते एक मरीज इस समय वेंटीलेटर उपर भी है। अमृतसर में सब तो वध 295 मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर जी, देश में 24 घंटे में 4000 तो अधिक नवे केस, कुल अंकड़ा 67000 तो पार। देश दे विच करोना का कहर लगातार जारी है। भावें कि करोना के प्रभाव को रोकने के लिए देश के लॉकडाउन लगाया गया, पर फिर भी हर रोज़ केसों के वाधा हो रहा है। बीते 24 घंटे के देश में 4000 तो वध करोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो इस नाल 100 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तों बाद देश के करोना से प्रभावित होने वाले मरीजों का कुल अंकड़ा 67152 तक पहुँच चुका है, जिस 2200 लोगों की जान जा चुकी है तो 21000 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। दस दिए कि देश में सब तो वध प्रभावित राज महाराष्ट्र है, जिथे हुण तक वायरस के 22171 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिन्हां दे विचों 832 लोगों की जान जा चुकी है, 4199 लोग ठीक हो चुके हैं। अगली खबर जी, राशन मिलन ना कारण मजदूर ने की खुदकुशी। करोना कारण देश भर के लॉकडाउन जारी है। आम लोग इस दौरान कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, शायद सरकार के ध्यान में नहीं है। खासकर दिहाड़ीदार मजदूर इस समय सब तो मुश्किल दौर के लंघ रहे हैं। अजिही स्थिति में लुधियाना विखे एक मजदूर ने आर्थिक तंगी कारण अपनी जान दे दी। जानकारी मुताबिक 38 साल मजदूर ने शनिवार देर रात राजीव गांधी कलोनी के किराए के मकान में फाहा लैके खुदकुशी कर ली। मृतक की पछाण अजीत राय वजो हुई है। वह दिहाड़ी मजदूर का काम करता सी। लॉकडाउन कारण पिछले 1.5 महीने तो वह घर में ही बैठा सी अते परिवार के खाण पीण लई कुछ भी नहीं सी बचा, जिस तो तंग होकर उसने अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी ने दसाया कि उन्होंने सरकार वालों पहुँचाई जा रही राशन समगरी नहीं मिल रही थी। पिछले कई दिनों तो रोजाना राशन लैण लई पुलिस थाने जाते सन, खाली हाथ परत के आते सन, जिस करके उन्होंने वालों यह कदम चुकया गया। अगली खबर जी, पाकिस्तान दे विच घरेलू उड़ाना 13 मई तक रद्द। पीड़ितों की गिणती हुई उत्थे 30400 ते पाकिस्तान ने घरेलू उड़ाना के संचालन से 13 मई तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान के शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने करोना के प्रसार को रोकने की सरकार की योजना के तहत घरेलू उड़ान संचालन से रोक 13 मई तक दे रही वधा दी है। पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी ने ऐतवार को एक ट्वीट में कहा कि सरकार के फैसले के मुताबिक घरेलू उड़ान संचालन जिमें कि पहला प्रभावित होया उसको बुधवार 13 मई तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में लगभग 1300 नवे मामलों के नाल उत्थे पीड़ितों की गिणती बढ़ के 30429 हो गई, जबकि मरण वालों की गिणती 661 हो गई है।
अगली खबर जी, कोरोना कारण जलंधर के छेवीं मौत लुधियाना के सीएमसी बजुर्ग ने तोड़िया दम। जलंधर के कोरोना के कारण अज छेवीं मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जंडू सिंघा के रहने वाले दर्शन सिंह ने लुधियाना के सीएमसी अज दम तोड़ दिता। दस दिए कि उक्त व्यक्ति की बीते दिन ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई सी। सेहत ज़्यादा खराब होने के चलद उसमें किडनी हस्पताल तो लुधियाना के सीएमसी हस्पताल शिफ्ट किया गया। अज हुई मौत के जलंधर में मौतों का अंकड़ा 6 पहुँच गया, जबकि 174 केस पॉजिटिव हो चुके हैं। अगली खबर जी, चीन दे विच कोरोना की वापसी। 17 नवे केस मिलने तो बाद शहर में लागू की गई तालाबंदी। चीन दे विच एक बार फिर कोरोना के नवे केस मिले हैं। चीन की सरकार ने रूस की सरहद के नज़दीक जिलिन सूबे के शुलन शहर के 17 व्यक्तियों के लाग लगन तो बाद बिना देरी किए शहर के तालाबंदी से यात्रा पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक संक्रमण इको स्रोत तो फैलिया है। फिलहाल यह लाग कितनी दूर पहुंची है इसकी जांच की जा रही है। अगली खबर जी, झोने की बिजाई लिए किसान सरकार नाल असहमत। 1 जून तो बिजाई की कीती गई मांग। लॉकडाउन के कारण मजदूरों की घाट होने करके सरकार वालों इस साल 10 जून तो झोने की लवाई का फैसला किया है, पर इस नाल किसान सहमत नहीं हैं। किसानों का कहना है कि सरकार 1 जून तो ही झोने की लवाई की इजाजत देवे, इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने दे लखोवाल ने 14 मई को इस संबंध में पंजाब भर में धरने देने का ऐलान किया है। किसान यूनियन वालों सरकार को अल्टीमेटम दिता गया है। किसानों का कहना है कि जेकर सरकार ने 10 मई तो पनीरी लिए बिजली सप्लाई निरंतर ना दी तो वह 14 मई तो पूरे पंजाब दे विच जिला डिप्टी कमिश्नर SDM दफ्तर विच किसान भेज के मंग पत्र देंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के सूबा प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ते सूबा जनरल सकत्तर जगमोहन सिंह ने 1 जून तो झोना लवाई की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले वरे ये तारीख 13 जून सी। ये सन दोस्तों हुण तक दीआं पंजाब दीआं मुख खबरां जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाया गया। उम्मीद करदे हां कि तुहानूं साडे वल्लों दित्ती गई जानकारी चंगी लगी होवेगी। जेकर तुहानूं चंगी जानकारी लगी, स्टीक लगी, तां साडी वीडियो नूं लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। नाल ही चैनल नूं भी सबसक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बैल दा आइकन भी ऑन कर देना, तां जो असीं जदों भी नवीं खबरां लै के तुहाडे तक पहुंचीए तां तुहानूं साडी वीडियो दी नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। इस नाल ही खबरां दा अज दा एपीसोड इत्थे ही खत्म हुंदा है। अगला एपीसोड लैके जल्दी ही तुहाडे तक पेश होवांगे। तद तक दे रही रब रखा।